बिहार के गोपालगंज जिले में एक भूमि विवाद को लेकर हुए दो पक्षों के झगड़े में तेजाब से हमला किया गया, जिसमें 5 लोग झुलस गए, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गोपालगंज सदर अस्पताल से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। अन्य 3 घायल सदर अस्पताल में जिंदगी के लिए जूझ रहे हैं। घटना सुबह 8:30 बजे की करीब नगर थाना अंतर्गत अम्बा मौजे गाँव की है। बताया जाता है कि विवादित जमीन पर कुछ लोग केला का पौधा लगाए थे, जिसका विरोध करने पर पीड़ित परिवार पहुंचा था। इसी दौरान बोतल में तेजाब लाकर हमला कर दिया गया, जिससे अम्बा मौजे गांव के जयकिशोर, श्रीराम, राजकिशोर राय, आयुष कुमार तथा उज्जवल कुमार शामिल हैं। सभी को सदर अस्पताल में लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने जयकिशोर, राजकिशोर राय तथा उज्जवल की हालत गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। उधर घटना की सूचना मिलते ही नगर थाने के पुलिस ने सदर अस्पताल में पीड़ितों का बयान दर्ज किया और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। नगर इंस्पेक्टर ललन कुमार राय के नेतृत्व में पुलिस टीम तेजाब कांड की जांच कर रही है। अरे हमार जमीन है और जमीन में केरा रोपा कर लग जमीन में मोने कर के तरह तेजाब निकाल के लाल लाल फेंके वो पर भाई उनका महाराज नतीजा नहीं। तेजाब हमला में कितना निकाल? 5 निकाल। कहाँ घर पर ही अपन? घटना कहाँ हुई? गाँव ही में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।